राशि बहन, नक्श को कहीं देखा क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहा वो। नहीं तो अभी तो हम लोग बाहर से आ रहे, वहां तो नहीं था। हे भगवान, फिर कहाँ गया लल्ला? राजपन्ना फोन करके देख। भाभी माँ, फोन भी तो नहीं उठा रहा है वो। किसी से कुछ कह के भी नहीं गया। पता नहीं कहाँ गया ये लड़का। कृष्णा में फोन करके पूछ राजबन्ना। हाँ, 2 मिनट पहले मैनेजर का फोन आया था कृष्णा से, वहाँ पर भी नहीं है वो। हे भगवान, कहीं चीकू ने कीर्ति बिटिया के अमेरिका जाने वाली बात तो नहीं सुन ली? अगर वो बात सुन ली होगी तो पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पे। जीरा दी, नायरा वो नक्श घर पे नहीं है, मतलब पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हें कुछ बता के गया या तुम्हें पता हो वो कहाँ गया होगा? क्या? नहीं दादी, पर ऐसे कैसे, कहाँ गए होंगे भाई? दादी, किसी ने कुछ कहा क्या उनसे? नहीं नहीं, यहाँ तो किसी ने कुछ नहीं कहा नायरा। आप टेंशन मत लीजिए दादी, भाई जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। ना ही वो हार मानने वालों में से है और ना ही कुछ ऐसा करने वालों में से जिससे कोई और परेशान हो। झूठ बोला तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से, असल में तो उसके लिए शादी एक सौदा है और कुछ नहीं। दीदी दीदी, नक्श चीजें खो गए। क्या, किसने कहा तुमसे? नीचे सब लोग बात कर रहे थे, सुबह से ही नहीं मिल रहे। नायरा, तुम खुद ही कह रही थी ना कि नक्श हार मानने वाले लोगों में से नहीं है, तो इस तरह मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? वो जहां भी होगा ठीक होगा। सर, नक्श सर आए हैं बाहर। क्या करने आए हो यहाँ? कोई नया तमाशा करने आए हो? जी नहीं, वो दरअसल मैं कीर्ति जी से एक बार मिलना चाहता हूँ। नहीं मिलना चाहती वो तुमसे, नहीं बात करनी उसे तुमसे कोई। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसे? प्लीज गो। आप शायद भूल गए कि हमने क्या तय किया था। तय कि इस बात से जुड़ा हर फैसला कीर्ति दी लेंगी। उन्हें बात करनी है नहीं करनी, मिलना है नहीं मिलना, रिश्ता रखना है या तोड़ना है, ये उनका फैसला होगा। मैं भूल गया था कि इस घर में इसके कितने सारे वकील हैं। लेकिन मेरा फैसला अब भी वही है, क्योंकि आपका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं भाई की आंखों में छिपा हुआ दर्द। मैं देख भी अच्छी तरह रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। अब ये तमाशा बंद कर दो नायरा। आप क्यों बिना वजह इशू क्रिएट कर रहे हैं? अगर तमाशा ही करना होता तो इन लोगों के पास कई तरीके थे। आदित्य की तरह भीड़ इकट्ठा कर लेते, पुलिस बुला लेते, मीडिया बुला लेते, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये शांति से बैठकर बात करना चाहते तो कर लेने दीजिए ना प्लीज। मीडिया इकट्ठा नहीं किया है, भीड़ नहीं बुलाई है, पुलिस नहीं बुलाई है, लेकिन कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर लेंगे आदित्य की तरह, क्योंकि आदित्य की तरह तेरी बेटी का दिल तो तोड़ा ही है ना। आप फिर गलत समझ रहे हैं। प्लीज अपने गुस्से को काबू में कीजिए। एक गलत एक्शन इस वक्त सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। आपने ऑलरेडी सिंगानिया सदन में जाकर बहुत कुछ कहा है, अब और कुछ मत कहिए, प्लीज कंट्रोल कीजिए। तो अब तुम्हें अपनी बीवी
और उसका भाई सही लगते हैं और तुम्हारी बहन गलत लगती है। तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे, मेरी बहन, मेरे खानदान सबको धोखा दिया। कभी कभी कोई बात बोलने में इतनी बुरी नहीं लगती जितनी सुनने में लगती, और अफसोस कि हम अपने कहे हुए शब्दों को वापस नहीं ले सकते। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी फैसला होगा वो कीर्ति को लेने दीजिए। हम यहाँ जिंदगी भर भी बहस करते रहेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा अगर कीर्ति के मन को ना समझ ले। कीर्ति के मन की बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ, वो इससे नहीं मिलना चाहती और ये बात खुद उसने कही, और अगर वो नहीं मिलना चाहती तो फिर इसे उससे कोई नहीं मिला सकता। और अगर किसी के मन में बहुत अरमान है साथ देने के तो जो चाहे इसका साथ दे सकता है, लेकिन मेरा फैसला वही रहेगा, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। और अगर इसमें अब जरा सी बेगैरत बाकी है तो ना बहस करेगा और ना ही परेशान। छोड़ दो पीछा मेरी बेटी का। गेट बंद कर देना। सर चाय ले आऊं? नहीं अभी नहीं। कार्तिक प्लीज मुझे कीर्ति जी से मिलवा दो। कार्तिक मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ, उनके बिना नहीं रह सकता, उनसे बात करना चाहता हूँ। कार्तिक सही कहा है किसी ने, खो देने के बाद ही किसी की असली कीमत पता चलती है। मेरी लाइफ में कीर्ति जी की इंपॉर्टेंस का एहसास मुझे हो गया है कार्तिक। प्लीज कार्तिक मुझे उनसे मिलवा दो। आई बेग यू कार्तिक प्लीज। प्लीज कार्तिक मुझे कीर्ति जी से मिलवा दो, फिर वो जो भी कहेंगे ना वो ही होगा। प्लीज। नहीं नानी, अब मुझे पता है मेरी इस बातों से घर में काफी लोगों को बुरा लग सकता है, पर फिर भी भाई और कीर्ति जी का मुझे एक बार मिलाना तो है, और फिर उनका जो फैसला हो वो हो, पर बिना कोशिश किए मैं हार नहीं मानूंगी। वही जो तुम कह रही थी, कीर्ति और नक्श को एक बार आमने सामने लेकर आ जाते, फिर जो उनका फैसला होगा वो ठीक है। ओके? कुछ सोचा है तुमने कि कैसे करेंगे? नहीं, मिलके सोचते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।